भारत में हजारों कोचिंगें होगी, लेकिन मैनेजमेंट जो सीएलसी का है वही वो ऐसा कहीं पे नहीं मिलेगा, या बी बिल्डिंग जैसा हॉस्टल कहीं पे नहीं मिलेगा इस दुनिया में। मैं 8वीं क्लास तक गांव में फटा, फिर 9th क्लास में मैं गया सीखकर। तो पहले दिन हम गए साथ, पापा के साथ गया मैं गाड़ी में, तो बहुत कोचिंगें देखी हमने, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला उसका, कोई कुछ ज्ञान दे रहा कोई कुछ ज्ञान दे रहा। फिर मैं गया केवीएम में, केवीएम में मैंने जाते देखा कि वहाँ से 95% के ऊपर 10-12 पोस्टर लगे हुए, तो हमारे कोई गांव में तो एक भी जना नहीं है 95 के ऊपर, वो ये कुछ तो है। फिर मैं गया सर के पास, अब सर का नाम तो नहीं पता, लेकिन सर ने काफ़ी अच्छी बात हुई। तो फिर उसी दिन हमने कर लिया कि फड़ना तो वहीं पर। फिर घर पर आए, पापा ने कहा 80,000 रुपये लग रहे हैं बेटा, फट रहा है तो देख लीजिए, 6 महीना की कमाई खा जा लो नहीं तो ठीक है बापू, फड्डू तो लो ही। फिर हम गए अगले दिन वापस गए, बोड़िया बिस्तर डाला गाड़ी में चले गए, फिर वहाँ पे हॉस्टल में गए। फिर मैं 11th में वहीं पर रहा, बहुत अच्छा माहौल रहा। 12th में फड्डे फिर बी बिल्डिंग में डाल दिया, बी बिल्डिंग जैसा हॉस्टल कहीं पर नहीं मिलेगा इस दुनिया में, तो मुझे नहीं लगता कहीं पर मिलेगा। वहाँ के वार्डन सर एक नंबर, वहाँ पर क्या नीचे ही क्लास है, रात को नहीं मन रहा क्लास में रूम में बैठ के फंडे का, नीचे आ जाओ आराम से बेंच पे बैठो फटो, उसका जो बेसमेंट है आराम से वहाँ पे लेट के फटो, कैसे फटो जैसा पढ़ना हो वैसे फटो, और वहाँ पे साथ में पढ़ते रहते, डाउट नहीं होए या तो टीचर अवेलेबल रहते हैं, जिसने टीचर अवेलेबल नहीं रहता तो अपने दोस्त से पूछ लिया, बड़े आराम से पढ़ो। तीन मेन चीज़ें जिनके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ है, पहला मेरे परिवार वाले, दूसरा बॉस, और तीसरा वहाँ का मैनेजमेंट। कोचिंगें हजारों होगी इससे, मतलब भारत में हजारों कोचिंगें होगी, लेकिन मैनेजमेंट जो सीएलसी का है वहीं से वो ऐसा कहीं पे नहीं मिलेगा। मैं एक डॉक्टर ही नहीं बनूंगा, लेकिन एक मैनेज डॉक्टर बनूंगा मैं अपनी जिंदगी में। आज की बात देख लो, बॉस थोड़ा लेट आए, पहले उनकी टीम आई, बॉस साथ तो आ सकते थे लेकिन नहीं आए, पहले यहाँ पे पूरा काम मैनेज हुआ फिर बॉस आए। पहले आने का मतलब क्या होता, कुछ नहीं होता, बॉस बैठे रहते, काम होता रहता, कोई मतलब नहीं निकलता, टाइम वेस्ट होता हुआ, इन बॉस अपने टाइम से आए और टाइम पे सारा काम हुआ। वो एक इशारा करता है मैनेज डॉक्टर बनने की तरफ,